हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पर एक नई टॉपिक के साथ आज हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ। और यहाँ पर आज जो है हम जो प्राइवेट स्कूल संस्थान है और गवर्नमेंट स्कूल संस्थान है उनके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आप यहाँ पे एक बगल में वीडियो देख रहे होंगे, एक पिक्चर देख रहे होंगे, जिसमें जो है कुछ बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर गेट के उनको बैठाया गया। इनके पास इतनी ही सजा है कि इनके जो पेरेंट्स है वो टाइम पर फीस पे नहीं कर पाए। और एक प्राइवेट संस्थान है, उन्होंने क्या किया कि सारे बच्चे, लगभग 70 से 80 बच्चे हैं, उनको स्कूल से बाहर कर दिया है। और उन्होंने फाइनल वार्निंग दी कि भैया अगर जो है इस बार फीस नहीं जमा हुई तो मैं स्कूल से ही इनका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। यानी प्राइवेट कॉलेजों वालों की इतनी मनमानी हो गई है कि वो किसी भी बच्चे को कभी भी जो है स्कूल से बाहर कर सकते हैं। और फीस को कितनी वो बढ़ा देंगे इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यानी एक जो लिमिट होती है कि इससे ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, वो चीज नहीं है। हर चीज का एक्स्ट्रा चार्जेस जो लिए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का है, बुक्स वगैरह का अलग ही सिस्टम है, वो आपका एक फिक्स दुकान से लेना है, जो ड्रेसेस हैं वो फिक्स दुकान से लेना है, मतलब उन्हीं का कोई जानने वाला रहेगा, वहीं से ही लेना है। हर चीज के अलग अलग चार्जेस, जबकि आपका वहीं गवर्नमेंट में कोई भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहा है। उसकी वजह केवल इतनी रहती है कि लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है कि भैया गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं छोटे बच्चों के 8 तक कह सकते हैं, उसमें पढ़ाइयां नहीं होती। हाँ, अधिकतर जगहों पे गांव में थोड़ी सी स्थितियां उनकी खराब है, दयनीय स्थितियां है, लेकिन पहले के जैसे अब सरकारी स्कूल नहीं रहे। एक से एक बीआरटी स्कूल ऐसे हो गए ना जिनको सरकारी स्कूल नहीं पाने वाले हैं भाई, चाहे वो करोड़ों खर्च कर ले। लेकिन फिर भी अधिकतर सरकारी में पढ़ाने वाले टीचर भी अपने बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं, ऐसी उनकी मानसिकता हो चुकी है। इस मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा यार, नहीं तो जो प्राइवेट वालों की मनमानी है फीस को बढ़ाने का, वो कभी कंट्रोल नहीं होने वाला है। और वो आपको इस प्रकार से बातों में बहलाएंगे, आपको इस प्रकार से बातों में उलझाएंगे कि ऐसा लगेगा कि यार प्राइवेट में अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा ना तो उसका भविष्य कुछ नहीं हो पाएगा। हर कोई अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाने के बाद सोचता है कि वो सरकारी नौकरी करेगा। किसी को ये नहीं पसंद है कि बाद में वो प्राइवेट नौकरी करे, नहीं, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा जो है बाद में सरकारी नौकरी ही करे और वो भी कोई अच्छे पद पर है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, जब वही बड़ी डिग्रियां लेनी होती है तब सोचते हैं कि सरकारी में पढ़े, क्यों? क्योंकि तब उन्हें फीस वहां पे कम पड़ती, तब प्राइवेट में हिम्मत नहीं पड़ती है क्योंकि तब वो अवकाश से बाहर चला जाता है, उसकी फीस ही नहीं पे कर पाएंगे। तब सोचते हैं कि कहीं एंट्रेंस एग्जाम दे लें, यार एंट्रेंस एग्जाम से जो है अच्छी रैंक आ गई हमें गवर्नमेंट मिल जाएगा। लोगों की मानसिकता इतनी हो चुकी है क्यों सरकारी स्कूल को एकदम निम्न स्तर का ही देखते हैं। हम लोग भी पढ़ाई किए हैं सरकारी में, ऐसा कुछ नहीं है यार। जैसे आप प्राइवेट स्कूल के लिए पेरेंट्स मीटिंग में या एक बार बुलाने पे आप पहुंच जाते हैं, वैसे कोई गवर्नमेंट में नहीं जाता है। गार्जियन को जाके टीचर घर पे कहते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजिए, नहीं, कोई पेरेंट्स तब भी नहीं भेजता। और प्राइवेट में क्या है, पेरेंट्स मीटिंग के लिए आप जो है हफ्ते में जाते हैं, अगर गाड़ी नहीं आया तो आप खुद से जाके वहां पे बच्चे को छोड़ने जाते हैं। वहीं सरकारी स्कूल में क्या है, बच्चे को भेज दिया, बच्चा गया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप प्राइवेट में उसको पढ़ा रहे हैं तो उसके अलग से ट्यूशंस लगवाएंगे, आप घर पे भी उसकी केयर करेंगे, जो उसके नोट्स रहेंगे उस पर सिग्नेचर भी करेंगे, सारी चीजों की केयर करते हैं। ऐसा क्यों है, क्या गवर्नमेंट से आपको नफरत है या गवर्नमेंट आपको कहती है भैया प्राइवेट में पढ़ाइए, नहीं हम सरकारी में नहीं पढ़ने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट तो हर गांव में एक स्कूल खोल रही है भाई, खोल रखा है, जहां पे नहीं वहां पे खोल रही है। लेकिन फिर भी नहीं, हमें जो है प्राइवेट में ही पढ़ाना है बच्चे को, यूकेजी एलकेजी उनकी इतनी फीसें हैं जितना जो है आप सरकारी में पढ़ोगे, इंटर पास हो जाओगे उतनी फीस नहीं लगेगी भाई। लेकिन नहीं, प्राइवेट इज द बेस्ट एक थीम बना दी गई है। और इसी तरह से ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये मनमानी यहीं से शुरू होती है कि प्राइवेट वालों को जब मन करेगा तब वो फीस बढ़ा देंगे, जब मन करेगा किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते, किसी को बाहर कर सकते, किसी के साथ मारपीट कर सकते, कुछ भी वो कर सकते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोगों को ही आवाज उठाना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में जो टीचर पढ़ाते हैं वो कम एजुकेटेड है, भाई वेल एजुकेटेड होते हैं, उनके जैसा क्वालिफाइड होता नहीं। प्राइवेट में आप जाते हैं,
कहीं 12 पास पढ़ा रहा है, कोई बीएससी पास केवल पढ़ा रहा है, ऐसा होता है। हाँ उसमें भी कुछ ऐसे रहते हैं जो नॉलेजबल होते पर्सन, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं आप गवर्नमेंट में जो क्वालिफाइड एकदम, मतलब इतनी उनके पास डिग्रियां रहेंगी ना आप गिन नहीं पाओगे, तो वहां पे क्या कमी है। लोगों की थोड़ी सी मानसिकता बदलनी चाहिए। अगर आप जो है बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजेंगे, अपनी मानसिकता को बदलेंगे, तो जो वहां पे प्रिंसिपल है, जो टीचर्स हैं, उनके आप कह सकते हैं, उनसे आप बात करेंगे, उनको चीजों को बताएंगे कि बच्चा ये इस चीज में कमजोर है या बच्चे की गलती है, कई सारी चीज, तो लोग भी थोड़ा सा लापरवाहियां कम करेंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट में टीचर पढ़ाते हैं उनको भी ये रहता है कि जब पेरेंट्स कोई कोई नहीं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी सी मानसिकता बदलनी पड़ेगी भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला है।